हेलो हाय नमस्कार, मैं आप सबकी ज्योति कुमारी बिग बॉस 11 से। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं अभी अपने होम टाउन में हूँ। अभी फ़िलहाल मैं मुंबई नहीं जाने वाली हूँ। और बिग बॉस 14 3rd अक्टूबर को आने वाला है, तो इसके लिए मुझे एक इंटरव्यू देना है और वो इंटरव्यू है बोल बोल बॉलीवुड से। तो उनके कुछ सवाल हैं जिनका मुझे जवाब देना है, तो चलो मैं फटाफट सवाल खुद ही पूछती हूँ और जवाब भी खुद ही देती हूँ। तो पहला सवाल है, बिग बॉस 14 कॉन्सेप्ट लग्जूरियस कैसा लग रहा है? इस बार थिएटर, रेस्टोरेंट, स्पा सेंटर ये सब होंगे? बिग बॉस के घर में ये सब होना, मतलब मुझे वही लगता है ना कि बिग बॉस के घर में लोग इसीलिए, मतलब आपको बाहरी दुनिया में जो चीज़ आसानी से मिल रही है ना, वो बिग बॉस के घर में आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए काफ़ी तरसना पड़ता है। और अगर ऑलरेडी इतनी आसानी से ये चीज़ें मिल रही है, शान और शौकत भरी ज़िंदगी, तो आई थिंक कि ये मेरे ख्याल से कुछ ऐसा थीम मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। बाकी देखते हैं। अगला सवाल, इस बार नो बेड शेयरिंग, नो फाइट, नो फूड शेयरिंग कैसे टीआरपी मिलेगी? क्योंकि लास्ट टाइम तो फाइट की वजह से ही टीआरपी मिली थी। लास्ट टाइम फाइट की वजह से टीआरपी मिली थी, सही है, क्योंकि लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा फाइट हुई थी। अभी तक के जितने भी सीजन आए हैं उनसे सबसे ज़्यादा फाइट लास्ट टाइम ही हुई है। तो इस टाइम वही है ना कि शान और शौकत भरी ज़िंदगी मिल रहा है बिग बॉस के घर में, किसी भी चीज़ों के लिए हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो वो झगड़ा कैसे होगी? वो जो होता है ना बिग बॉस के घर का मसाला, वो ऑडियंस को मसाले कैसे मिलेंगे? तो इस वजह से टीआरपी कैसे मिलेगी, देखते हैं। कुछ मेकर्स ने कुछ अच्छा ही डिसाइड करा होगा। हमारा अगला सवाल है, सिड, हिना, मोनालिसा एंड गौहर पार्ट ऑफ बिग बॉस 14, क्या कहना चाहेंगी? एक्चुअली देखते हैं वो कितने वीक्स के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो पूरी सीजन के लिए तो नहीं जाएंगे। और हम लोगों ने ऑलरेडी उन्हें बिग बॉस के घर में देखा है, उनके उनके गेम को देखा है, वो क्या करेंगे वो देखा है। तो देखते हैं इस बार वो क्या बन के जा रहे हैं। मतलब वही है ना कि बिना हम लोग देखे कुछ बता नहीं सकते। हो सकता है वो घर के चार जज या मालिक या पता नहीं क्या कुछ भी बन के जा सकते हैं, तो वो देखने के बाद ही पता चलेगा कैसा है। हमारा अगला सवाल, कितना इंटरटेनिंग लग रहा है इस बार का बिग बॉस 14, क्या टीआरपी गेन कर पाएगी? बिग बॉस 14 लोग काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि कोरोना की वजह से थिएटर्स बंद हैं, लोगों को इंटरटेनमेंट के लिए मतलब तरस रहे हैं लोग। और बिग बॉस से अच्छा इंटरटेनिंग शो कुछ हो ही नहीं सकता टीवी पर, तो लोग टीआरपी तो वो हाई जाना ही चाहिए। बट जो थीम है ना कि कुछ फाइट नहीं, कुछ मसाला नहीं, कुछ तड़का नहीं, कुछ मतलब इतने आराम से लोग ऐसा कहीं सोने ना लगे बिग बॉस के घर में जाके, क्योंकि उनको इतनी आराम भरी ज़िंदगी मिलेगा ना, तो कहीं वो दिन रात सोए ना रह जाए। तो इस वजह से थोड़ी सी टीआरपी कुछ ऐसा हो सकता है। हमारा आखिरी सवाल, आप किसे देखने के लिए एक्साइटेड है बिग बॉस 14 में? किसका गेम सबसे बेस्ट हो सकता है? एक्चुअली अभी हमें पता नहीं है कि बिग बॉस के घर में कौन जाने वाला है, तो इससे हम लोग बिना देखे बता नहीं सकते हैं कि किसका गेम कितना बेहतर हो सकता है, क्या हो सकता है। बट हाँ, मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो ऑलरेडी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिग बॉस के लिए। और अगर मुझसे पूछा जाए ना तो आप किसे देखना चाहते हो, तो मैं बिहार के बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे, बहुत नामी नेता हैं, जिनके पापा पूर्व सीएम भी रह चुके हैं बिहार के, मैं तेज प्रताप यादव को देखना चाहती हूँ बिग बॉस के घर में। बाकी थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है पॉसिबल थोड़ा सा नहीं है, बट कोई नहीं, हम तो कुछ भी सोच सकते हैं। तो इस हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके का उनका पर्सनैलिटी है, वो बिग बॉस के घर में काफ़ी फिट बैठेंगे और काफ़ी इंटरटेनिंग होगा, और बिहार के लोग भी काफ़ी बिग बॉस पे और चाव से देखेंगे। तो इस वजह से मैं उन्हें बिग बॉस में देखना चाहती हूँ। बाकी थैंक यू सो मच बोल बोल बॉलीवुड को, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस मुझे इतना प्यार एंड सपोर्ट के लिए। थैंक यू।